यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। चलिए आगे बढ़ेंगे, कर्नाटक की बात करेंगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमार स्वामी ने जनता से किए वादे को पूरा नहीं कर पाने की स्थिति में इस्तीफा देने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि हमने चुनावी घोषणा पत्र में किसानों का कर्ज माफ करने की बात कही थी, अभी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कुछ मुद्दों पर कांग्रेस नेताओं से बात होनी है। कांग्रेस को मनाने की कोशिश की जा रही है, अगर एक हफ्ते में किसानों से किया गया वादा पूरा नहीं किया गया तो मुख्यमंत्री पद छोड़ दूंगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब हमें किसानों के साथ किसानों का कर्ज माफ करने की प्रक्रिया पर बात करनी है, कर्नाटक मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर कुछ मुद्दों पर भी चर्चा होनी है, मुझे पर्याप्त जनादेश नहीं मिला और गठबंधन में सहयोगी कांग्रेस की दया पर निर्भर हूं। किसानों को जान देने की जरूरत नहीं है, थोड़ा धैर्य रखें, हफ्ते भर या तो फिर कर्ज माफ कर दूंगा या ऐलान कर दूंगा कि अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे कुर्सी छोड़ने के लिए कहे। आपको बता दें कि जनता दल ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि वो सत्ता में आने के बाद 24 घंटे के भीतर सार्वजनिक उपक्रमों और सहकारी बैंकों से लिए गए ऋण समेत सभी तरह के कृषि ऋण माफ कर देंगे।